नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव और मैं इस समय वाल्मीकि नगर के तमाम जगहों से होकर गुजर रहा हूं। ये जो पटाखे की शोर आपको सुनाई दे रही है, यह यहां से जो वाल्मीकि नगर के पूर्व लोकसभा सांसद और मौजूदा राज्यसभा सांसद सतीश चंद दुबे का मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बनने की खुशी में यह सारा शोर सुनाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा सांसद किसी भी भारत सरकार में वाल्मीकि नगर का सांसद मंत्री नहीं रह पाया था। हालांकि भोला राउत कांग्रेस में लगातार 7 बार सांसद जीते थे, लेकिन उनको भी मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। ऐसे में जो खुशी दिख रही है लोगों के चेहरे पे, ये तमाम हम लोगों से वार्ता तो करेंगे, लेकिन यह खुशी पटाखों में जो जाहिर हो रही है और दिन में जो गुलाल जो देखने को मिला और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाते हुए लोग नजर आए, तो निश्चित रूप से यह यहाँ के लोगों के लिए एक उत्साह का क्षण है। और इसी कड़ी में जो तमाम लोग हैं वह कितना उत्साहित हैं और इसको किस प्रकार से देखते हैं, हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे, वार्ता करेंगे। जी, आप इसको कैसा देखते हैं? पहली बार वाल्मीकि नगर को कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिला है। वाल्मीकि नगर का भाग चमक गया। ये जो तमाम खुशी की वजह है, यह जो क्षेत्र है यह ठकराहा इलाका आता है और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जब 2014 में सतीश चंद दुबे चुनकर यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में दिल्ली गए थे तो यहाँ पे लाइट लगवाने का काम किया था और अभी उनको कैबिनेट में मंत्री पद का मोदी सरकार में एक पद मिला है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी है कि अब तमाम विकास के कार्य यहाँ ठकराहा में होगा। जी, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? हम लोगों को तो सबसे बड़ी खुशी है कि पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर लोकसभा से हमारे सतीश चंद्र दुबे जी मंत्री बन गए। सबसे खुशी हम लोग को ये है क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वाल्मीकि नगर बेतिया और मोतिहारी और सीवर चारों सीट को जिताना है, जो उन्होंने पूरे अच्छी तरह से चारों सीट को जिताया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके ऊपर विश्वास किए और विश्वास करके उनको मंत्री बने। हम लोगों की जितना खुशी मिला है हम लोग आपसे क्या बताएं कि हम लोग कितना खुश हैं। इसलिए हम लोग पटाखा और गुलाल उड़ा रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। तो विकास की कितनी उम्मीद है? अरे बहुत ज्यादा, अभी भी वो राज्यसभा सांसद है तो बहुत विकास है। हमारे ठकराहा का पुल देख लीजिए, जो ठकराहा का पुल बना है उन्हीं का देना। हमारे यहाँ लाइट का व्यवस्था उन्हीं का देना, एक चारों ब्लॉक में लाइट का व्यवस्था 2014 में सांसद रहते हुए उन्होंने कराया था। हम लोग की बहुत प्रसन्नता है कि सतीश चंद्र दुबे मंत्री बने और मोदी जी उनके ऊपर विश्वास किए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर विश्वास किए। जी, कुछ लोग कहते हैं, अक्सर आप लोग सुनते हुए देखते होंगे कि अंधभक्तों के अनुसार 2014 के बाद विकास हुआ है, और अंधभक्तों के अनुसार नहीं, मैं यहाँ ग्रामीणों के अनुसार कहूंगा, अगर आपको 2014 के बाद का विकास देखना है तो आपको ठकराहा आना होगा। पश्चिमी चंपारण की पावन धरती है, वाल्मीकि नगर का एक पवित्र इलाका है और यूपी से सटा हुआ है। अगर यहाँ पे विकास निश्चित तौर पर हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है। तमाम जो आज उत्साह देखने को मिल रहा है वो इसी उस व्यक्ति के लिए इसलिए मिल रहा है कि वह व्यक्ति तमाम जो विकास के कार्य किए हैं और यहाँ पे तमाम विकास की जो गथाएं लिखी गई है, जिसके कारण आज यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट के कारण उनकी जहाँ से उनकी मार्केटिंग होती है वहाँ जाना सुगम हो पाया है। इसी कड़ी में तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे कितनी खुशी है आपको, क्या कहेंगे? आज सतीश चंद दुबे को बड़ा पद मिला है कैबिनेट में। बहुत ज्यादा। जी, क्या नाम हुआ आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं, तो उम्मीद क्या है विकास की? वैसे तो बहुत सारे कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है यहाँ। बहुत ज्यादा उम्मीद है। जी, तो उम्मीद लोगों की इसलिए बढ़ती है और एक कहावत भी है कि जब कोई व्यक्ति लायक होता है तो उम्मीद उसी से की जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पटना न्यूज 24। बोलिए सतीश चंद्र दुबे।